सामने एक बिल्ली जा रही थी, उस बिल्ली को क्या बना दिया? धर्मेंद्र देव ने कह दिया, देखो इस बिल्ली को बच्ची बना रहा हूं लेकिन स्वभाव बदलेगा, ध्यान रख लेना। लेकिन बना के दे दिया, अब दो बच्चे हैं, इधर एक लेके नाचती नाचती कूदती कूदती जा रही है। अब पीपल गांव में ये जो ब्रिज आ रहा है इसके नीचे जहां वरगोड़ा पहुंचा वहां पहुंच गए पद्मावती और धर्मेंद्र। अब यहां पहुंचने के बाद वहां देखो तो उस घर के सामने भी एक झगड़ा चल रहा है जोर से। पहले घर में बच्चे की खिलकारी, सचिन भाई का घर। दूसरा घर में रोना, बच्चा मर गया। तीसरे घर में झगड़ा। झगड़ा क्या है देखें तो दो जमाई खड़े हुए हैं। कितने? दो जमाई खड़े हुए हैं, अपने ससुर से लड़ रहे हैं कि मेरी पत्नी को मैं क्यों पियर छोड़ू, मैं मेरे घर में रखूंगा। दूसरा आदमी झगड़ा कर रहा है कि मेरी पत्नी को मैं क्यों पियर में रखू, मैं मेरे घर में रखूंगा। दोनों बेटियों में एक को तो भी पियर में रखने की भावना उसकी मां की है, लेकिन दोनों जमाई झगड़ा कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। पद्मावती विचार में पड़ गई कि मेरे भी दो जमाई आएंगे, झगड़ा करेंगे कि किसी को रखना नहीं है, तो कोई तीसरी तो चाहिए जो घर में रह के आनंद देती रहे। तो अब बोले कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, तो धर्मेंद्र देव समझाते सुने नहीं, तो ये गद्दी जा रही थी उस क्या जा रही थी एक गद्दी जा रही थी उसको बच्ची बना के पकड़ाना पड़ा। मां के हाथ में कितने हो गए? तीन बच्चे लेके जा रही है, और तीन बच्चे लेके कहीं निकल रहे पंडाल के ये सामने पहुंच गई है। अभी मां कहां पहुंच गई है? तो यहां तपस्या करने वालियों में एक झगड़ा कर रही है। क्या झगड़ा? मां देख रही है कि यहां तो तपस्या चल रहा है, यहां तो क्षमता का वातावरण है, इसमें झगड़ा क्या है? तो यहां एक बहन धर्म का झगड़ा कर रही है। मेरी तपस्या, मेरा संस्कार, मैंने मेरे बच्चों को सिखाने की खूब कोशिश की, मेरी तीन तीन बच्चियां तीनों को फोन किया तो आओ मेरे साथ अठम करने, एक भी नहीं आई, और मेरी तपस्या में मैं अकेली बैठी हूं, ऐसे बच्चों का क्या फायदा। पद्मावती वहीं खड़ी हो गई कि मेरी भी तीनों बेटियां जब तप में मेरी साथ नहीं देगी तो क्या होगा, चौथा चाहिए मेरे को। अब वो झगड़ा करने लगी तो धर्मेंद्र देव देखे, जब तक शाम हो गया था, सुबह से चलते चलते लाइट जगने के टाइम आ गए थे, महालक्ष्मी पंडाल के अंदर ये विचार करके प्रवेश कर रही थी कि ये धर्म समवसरण है, ये परमात्मा का समवसरण है, इधर मैं नहीं जाऊंगी तो किधर जाऊंगी, ऐसा सोच के साक्षात लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर रही है। ये जो विशाल तपस्वियों का पंडाल है इसमें कौन प्रवेश कर रही है आपको मालूम ही नहीं है? कल रात को यहां लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है और उसने आप सब पर नजर डाल के भाव बा लिया है कि ये अठम के तपस्वियों को दुनिया के मां बापों ने दूसरों ने खूब आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन इतने भाव से जिन्होंने तपस्या किया है इनको मैं अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दूं ताकि ये घर जाए तो सुख समृद्धि शांति पूर्वक इनका जीवन बना रहे। किसने आशीर्वाद दे दिया? देखो तुमको तो आंख से दिखता नहीं, तुमने कभी देवता को देखा है? मैंने भैरव देव के एक एक बाल गिने हुए हैं साक्षात सामने, समझे? एक एक बाल गिना हुआ है मेरा, हमको मैंने देख लिया है कि यहां मां लक्ष्मी प्रवेश कर ली। भले आपको दिखे नहीं दिखे, आपकी तरफ उसने हाथ ऊंचा कर लिया है, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, बोलो। जयकारा गुरुदेव का। अब देखोगे कि घर जाके कितनी शांति आनंद आता है। जरूर आप बोलोगे कि गुरु महाराज के कार्यक्रम के बाद घर में अनेक विघ्न टल रहे हैं, शांति आ रहे हैं। अगली बार अपने आप पूछोगे कि गुरु महाराज का अट्टम कहाँ हो रहा है, हमको जाना है, क्योंकि पहली सीढ़ी पिछले साल चढ़े थे, अगली सीढ़ी आप, और जब तक जीवित है तब तक पूरा चढ़ के मंजिल प्राप्त करना है, आप बोल के ही रहो। तो अब महालक्ष्मी अंदर प्रवेश कर रही, इधर पद्मावती देवी झगड़ा कर रही है कि तीनों बेटी अगर धर्म में नहीं लगी तो चौथा तो एक मेरे को चाहिए। तो धर्मेंद्र देव ने महालक्ष्मी को देख के हाथ ऐसा किया तो वैक्रिय लब्धिदारी पातालेंद्र धर्मेंद्र की शक्ति से मां लक्ष्मी क्या बन गई? क्या बन गई? पद्मावती की पुत्री, बच्ची बन गई। मां ने उसको भी ले लिया, दो हाथ में दो बच्चे, दो हाथ में दो बच्चे, कितने हुए? चार। चार बच्चे, चारों को लेके मां जा रही है, खुशी हो रही है कि मैं बच्चों की मां बन गई, मैं बच्चों की मां बन गई। पहली बच्ची कौन बताओ?
चिलकारी सुनते हैं। दूसरी बच्ची कौन? बिल्ली। तीसरी बच्ची कौन? गधी। चौथी? लक्ष्मी जी। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपको आज एक प्रेरणा देने के लिए है कि हमको तपस्या क्यों करना है। अब वो बच्चियां बड़ी, क्योंकि देवलोक में बड़े होने में देरी नहीं होती, कल यहां से निकली ना आज सुबह बड़ी हो गई, सब कन्याएं हो गई। अब हर माँ को जवान कन्या को देख के क्या फिक्र होता है ये बताओ? उनके शादी की तो सबको अच्छी अच्छी जगह शादी करके दिया। अब बढ़िया जगह शादी हुई तो सब हंसखुशी आराम से रही, लेकिन अब माँ चारों के जाने के बाद उदास रहने लगी। पद्मावती माता सोचती है कि चार होते हुए भी मैं अकेली रह गई। तो एक दिन धर्मेंद्र देव उनकी माँ की उदासी देख के कहते, चलो तुम्हारा मन बहलाने के लिए अपन ही एक बार संबंधियों के घर जाके बेटियों को मिलके आते हैं। किसको मिलके आते हैं? बेटियों को। तो अब धर्मेंद्र देव पद्मावती माता बहुत सारे उपहार चारों बेटियों के लिए, क्योंकि कोई बेटी के घर खाली हाथ जाएगा क्या? नहीं। हाँ, तो बहुत सारे उपहार साक्षात, देखो मनुष्य लोक में जो बेटियां आती है राखी में, दिवाली में, होली में, तो भी हम कुछ दे के भेजते हैं। तो साक्षात पद्मावती और धर्मेंद्र क्या क्या लेके नहीं जाते होंगे? बहुत सारे उपहार लेके रवाना हुए हैं। और पैरी हाँ? कुत्ती उसके घर पहुंचे तो बड़ी वो सुंदर होनहार हुई, क्योंकि धर्मेंद्र देव ने बच्ची बना दिया, बड़ी रूपवान हुई है। देखते ही पिताजी आ गए, माताजी आ गए, जिनके साक्षात धर्मेंद्र पद्मावती माता पिता हो उनका क्या कहना है। बड़े जबरदस्त स्वागत हुआ, संबंधी समंदन संबंधी से मिले, समदन समदन से मिले, समदन भाग भाग होवे के मेरी समदन तो साक्षात पद्मावती देवी है। भाग भाग होके एक दूसरे से मिले, खुश होवे। फिर खाना पीना हुआ, उपहार देना लेना सब हुआ, बाद में थोड़ी आराम हुई, तब संबंधी समधी को पूछे, समदन समदन भी पास बैठे हैं, समधी समधी को पूछे कि वो फर्ज है पिता का पूछना, तो पूछे कि साहब मेरी बेटी सही तो काम करती है, ससुराल का ध्यान तो देती है, सब प्रकार से व्यवस्थित सब संभालती तो है। तो दूसरे जो समधी समदन है बच्चे के बाप जिनके घर ये बच्ची, ऐसा घर का ध्यान रखती है, पूरा रक्षा रखती है, रात में भी सोती नहीं है, 24 घंटा घूमती ही रहती है, रात भर फेरा करती है। किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? लेकिन एक जगह चिंता आ जाती है, जब भी कोई नया व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करे तो जोर जोर से भो भो करके चिल्लाती है, ये यूं क्यों करती है हमको समझ नहीं आया। क्या करती है? क्या स्वभाव है ये? कुत्ती का स्वभाव। तो देख लेना, रूप बदलने से स्वभाव नहीं बदलेगा, मात्र भूखे पेट रहने से भी स्वभाव नहीं बदलेगा। अब वो भो कर रही है तो धर्मेंद्र देव ने मां को इशारा किया कि मैंने पहले ही कह दिया भले ही इसको बच्ची बना दो लेकिन स्वभाव जाने वाला। अब दूसरी बच्ची के घर गए जो बिल्ली बनी है बच्ची, वहां जाके भी खाना पीना उपहार देना लेना सब हुआ, पूछते हैं कि हमारी बच्ची कैसी है? सब अच्छा है, पायल पहनी हुई है, पायल में कब कैसे चलती है, किसका स्वभाव है? बिल्ली का। और एक चीज है, बहुत अच्छी खाना बनाई, हम सब कहते हैं कि आराम से हमारे साथ बैठ के खाओ बहू, तुम साक्षात पद्मावती माँ की बेटी हो, हमारे साथ रहो, आदरणीय हो, हम बहुत आदर देने की कोशिश करते हैं, तब तो बोलती है भूख नहीं भूख नहीं, और जब कोई नहीं रहते हैं धीरे से रसोई में जाके पूरा चट करके आती है, एक दाना तक नहीं टिकाती है, क्या इसका आदत है हमको समझ पड़ता नहीं। किसका आदत है? बिल्ली का। तीसरे घर गए और उधर जाके रामा सामा हुआ, लेना देना सब हुआ, खाना पीना हुआ, फिर पूछते हैं कि हमारी बच्ची कैसी है साहब? कहें कि बहुत सुंदर है। आपकी बच्ची का क्या कहना? मेरे को संकोच होता है कहने में, साक्षात पद्मावती देवी की पुत्री हो उसकी हम क्या कहें, कितना भी भारी साड़ी पहने, कितने भी अच्छे गहने पहने, शांत नहीं रहती है, सीधा गली में जाके मट्टी में लोटपोट करने लगती है, शुरू हो जाती है लोटपोट करना, और कोई भी आदमी आता है तो पता नहीं कब इसको क्या हो जाता है, जोर से एक लात भी मारती है। किसका स्वभाव है भाई? गधी का। अब चौथे घर में गए, कौन है वहां? महालक्ष्मी। उस घर में जाके लेना देना रामा सामा हुआ,
फिर पूछते हैं धर्णेन देव मेरी पुत्री अच्छी तो है, सब ठीक तो है, सब व्यवस्थित चल तो रहा है। घर वाले कहते हैं साहब आपके पैरों को 100 वर्ष तक दूध से धोते रहे तो कम है, बेटी क्या भेजा है, साक्षात लक्ष्मी भेजा है, जब से वो आई है तिजोरी अपने आप भरता है। बोले महालक्ष्मी मात की। क्यों वो है कौन? तो आप इन चारों में कौन से वर्ग में हो ये देख लो, और इस वर्गों के वर्ग में आने की कोशिश करोगे तो आज के ये 3 दिन की आराधना का पूर्ण फल आप प्राप्त करोगे, ये मुझे इस कहानी से कहना। खाली तपस्या नहीं करनी है, कभी कभी कोई मरासा गांव में आवे कहे कि तपस्या करनी है तो आप संकल्प करके जाना है कि गुरुदेव के उस तपस्या में मैं साधना तो करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने व्यापारियों को पूछा था कि आप एक रोकड़ बुक रखते हो या नहीं, कौन कौन दुकान में रोकड़ बुक रखे हैं, सब हाथ ऊंचा करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, मैंने बता दिया है, फिर तो जान लो क्या होने वाला है। तो ये जो रोकड़ बुक है इसमें हर खर्चा होता है कि सिर्फ 90 का खर्चा होता है? बंटी भाई लॉस एंड प्रॉफिट है कि ओनली ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट है या लॉस एंड प्रॉफिट ऑल है, क्या है? हा? लॉस एंड प्रॉफिट जोड़ के श्री संघ को ये अंतिम कार्यक्रम में ये समाप्ति की ओर जाने वाली व्यवस्था में हाथ जोड़ के पूछता हूं, आपने जो कागज साथ नहीं आने वाला है उससे होने वाले नुकसानों को भी किताब में लिख के, उसके दुर्भावों को भी किताब में लिख के रखा है, कभी ऐसी कोई डायरी बनाई जिसमें आपके दुर्गुणों का लिस्ट लिखने की भावना हुई हो, ऐसा कोई किताब बनाया है क्या? संघ को मैं ये पूछना चाहता कि आज मेरे में क्रोध, आज मेरे में बड़ा सा निंदा करने का भाव आया, तारीख 25/12/2016 रविवार, कभी लिखते हैं क्योंकि जब भी एक व्यापारी लॉस का रोकड़ बुक लेता है तो उसको प्रेरणा मिलती है कि ऐसा लॉस वापस होना नहीं चाहिए और उसके लायक काम करना चाहिए, ये प्रेरणा वो रोकड़ बुक देता है। अगर आप भी दैनिक जीवन में होने वाली गलतियां और पाप का कोई किताब रखते, तारीख भर लिख के अगर संवत्सरी के दिन भी भले ही साल में एक बार खोलते, मालूम पड़ता कि पुण्य की गठरी तो छोटी सी थैली जितनी और निंदा क्रोध और पाप का ढगला तो पाड़ जितना एक साल में इकट्ठा हुआ। कभी ऐसा रोकड़ रखा जिसमें अपने दुर्भाव दुर्गुण निंदा क्रोध चुगली के हिसाब किताब लिखा हो, ऐसा कोई किताब रखा है? सबके पास कई किताब है, मायरा होता है राजस्थान में, मामेरा, यहां क्या बोलते हैं? मामेरा ही बोलते हैं। मामेरा में क्या क्या कभी वापस ले सकेंगे क्या? जो वापस नहीं ले सकेंगे वैसे मामेरा का भी नोटबुक बनता है, 40 ग्राम का चेन दिया है, 20 ग्राम की अंगूठी दी है, 15 ग्राम का लड़ दिया है, 10 ग्राम का नथनी दिया है, 5 ग्राम का कुंडल दिया है, सब लिख के फिर मामेरा देते हैं। जो चले गया जो वापस नहीं आना है उस मामेरा का भी हिसाब किताब है, लेकिन जो जाता है तो वापस तीर बन के आएगा, उस पाप का कोई हिसाब किताब नहीं है आपके पास। हाथ जोड़ के कहता हूं कि उस पाप का कोई हिसाब किताब समझने की कोशिश करो, उसका ध्यान दो। 3 दिन यहां रहे हो, 4th दिन है, आप में सबसे ज्यादा दुर्गुण कौन सा है? क्रोध ज्यादा आता है, चुगली ज्यादा करते हो, निंदा ज्यादा करने के भाव होते हैं, अपने मन को टटोलो, मुझे देख लिए ठीक है, इनको देख लिए ठीक है, इनको देख लिए ठीक है, इनको देख लिए ठीक है, लेकिन खुद को देख लोगे तब कल्याण होने वाला। जयकारा गुरुदेव का। इंसान वही महो, कई लोग हमारा जो वाणी होता है दानवीरों का खूब गुणगान अनुराग, मैंने भी कहा कल के मैं गुणानुरागी हूं, यहाँ के बाउंसर वॉचमैन पंडाल वाले से लेकर सफाई वालों तक को मैंने कल रात में धन्यवाद दिया, मैं गुणानुरागी हूँ, लेकिन मैं एक बात पक्का जानता हूँ, मैं मानता जो अलग हूँ ना जानता जो अलग हूँ, मैं जानता तो हूँ कि सबका ये महान है, लाभार्थी महान है, तपस्वी महान है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मानता वो हूँ
मैं मानता हूं कि जो खुद के पाप को समझ लें और समझ लें कि मैं इस गलती को कर रहा हूं, कि स्वयं को गलती को जो समझ लें कि ये मेरी गलती है, स्वयं के गलतियों को समझ लें, वही सच्ची में महान है, मैं ये मानता हूं। बाकी तो सब जानता ही है, बाकी सबके सम्मान होवे, किसी को सापा पहना दो, किसी को माला पहना दो, किसी को तिलक कर दो, ये करना चाहिए ये मैं जानता हूं, लेकिन मानता हूं कि जो कह दें कि मैं क्रोधी हूं, महाराज साहब मुझे क्रोध आता है, जो स्वयं के गलतियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ले, उससे बड़ा महान कोई नहीं है, वो महान ही महात्मा बन सकता है। हमारे जैन धर्म में जो जो गलती करने वाले आईमुत्ता मुनि से लेके इलाची कुमार नट से लेकर हुए लोगों की बात करता है, लाभार्थियों की बात नहीं करता हमारा जैन धर्म। हमारा जैन धर्म पैसे वालों की बात नहीं करता, स्थूल भद्र सूरी की बात करता है, जहां रूप कोषा के वैश्यालय में स्वयं को टिका के रखे थे। हमारा जैन धर्म उनकी बातें करता है जो गज सुकुमाल बन के सिर पर अंगार लेके खड़े हुए थे। हमारा जैन धर्म भूल को भूल जाए और वो भूल ही भूल करके पछता जाए, ऐसे भूल को भूले हुए लोगों को महान मानता है। तो ऐसे जैन धर्म में जन्म लिए हुए पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं, आज संकल्प करके जाओ, आज अपने हृदय में ज्योति जगा के जाओ, तीन दिन भूखा मार के चौथे दिन तीन दिन का जो रसोई का खर्चा होना था वो पूरे को पारने में ही कर दिया सचन भाई ने, हिसाब तो बराबर हो गया खाना पीने का। तीन दिन भूखे रहे, कल से तो आप और ध्यान दोगे कि तीन दिन से शरीर शिथिल हुआ, थोड़ा घी ज्यादा डालो रोटी में, थोड़ा माल ज्यादा बोलता हूं, ये हिसाब किताब तो यही ठीक हो गया। अगर धर्म का किताब खोलना चाहते हो तो यहां प्रतिज्ञा करके जाओ कि जो दुर्गुण आप में सबसे ज्यादा जोर मार रहा है, लहर को कौन रोक सकता है? समुद्र है जब तक लहर है, समुद्र है जब तक हलचल है, लेकिन इस लहर को रोक नहीं सकते, लहर को गिन तो जरूर सकते हैं। कितनी बार क्रोध आ रहा है आज से गिनना शुरू करो, इतनी ग्लानि होगी कि एक दिन क्रोध आना